हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हो आप लोग? आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे, पानी पूरी या फिर गुपचुप, जो भी आप बोलते हैं वो। और ये बनने वाला है इंस्टेंट। तो इसके लिए मैंने पहले लिया है 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी रवा। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल के, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे जैसा गूंथ लेंगे। आटा भी नहीं, पूड़ी का आटा जिस तरीके का होता है उस तरीके का हम इसे गूंथ लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके का गुथा गया है, टाइट सा, मतलब पूड़ी का जो आटा रहता है उसका। और ये जो गुपचुप बनने वाला है बहुत क्रिस्पी सा बनने वाला है, बहुत टेस्टी सा बनने वाला है। तो चलिए, हम इसे अब गीले कपड़े में ढक के रख देते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये सॉफ्ट और नरम सा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। गुपचुप के मसाले के लिए यहाँ पे आलू उबल रहा है, जिसमें हमने 4 बड़े आलू लिए हैं। 1 कप पानी में हमने इमली को भिगो के रखा हुआ था। आप चाहे जितना खट्टा उसे हिसाब से इमली को भिगो सकते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे पुदीना लिया हुआ है। पुदीना स्टोरेज करके रखा हुआ था इसके, इसलिए हमने इसे वॉश कर लिया हुआ है। अभी वॉश करके लिया हुआ है और इसे हम एक साइड में रखे हैं। और इसमें अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, 2 अदरक के टुकड़ा है और 6 हरी मिर्च है। अगर आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो इसमें और हरी मिर्ची आप ऐड कर सकते। फ्रेश पुदीना हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और देन फिर इमली पानी छोड़ के बाकी सबका पेस्ट बना लेना है। और फिर हमने जो ये इमली को भिगो के रखा हुआ था उन सब की प्यूरी निकाल लेना है। प्यूरी निकालने के बाद इसे हम मैश कर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, अब करते हैं हम पानी की तैयारी, पानी पूरी के पानी की तैयारी। इसमें हमने लिया है 1 लीटर पानी, वो भी ठंडा वाला, या फिर मीडियम वाला भी ले सकते हैं, मीडियम टेम्परेचर वाला। देन जो हमने पेस्ट रेडी किया हुआ था अदरक, हरी मिर्ची और पुदीने का, उसे हम इसमें निकाल लेंगे पानी में। तो इसे हमें छानना है, छान के ही इसे यूज़ करना है। और इसका जो ऊपर का मसाला जो बचेगा उसे साइड रख देना। सेम इमली पानी को भी हमें छान के यूज़ करना है, तो इसे भी हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। और इसकी जो प्यूरी इसमें निकल रही है उसे हम अच्छे से मिक्स करके निकाल लेंगे। तो हमारा ये जो गुपचुप बनने वाला है बहुत टेस्टी बनने वाला है, और ये जो पानी बनने वाला है वो भी बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो देखिए, पानी हमारा रेडी हो चुका है, जिसमें हमने डाला 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है। तो देखिए, अभी पानी भी रेडी हो चुका है, जिसमें हमने डाला है खारी बूंदी। और देन फिर लास्ट में डाला है इसमें 2 चम्मच गुड़, मैश करके डालना है गुड़ को। और इसे हम ढक के रख देंगे। पानी हमारा रेडी हो चुका। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। गुपचुप का पानी हमारा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद चलिए हम करते हैं मसाले की तैयारी, जिसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। और इसे हमने ना कद्दूकस कर लिया है आलू को अच्छे तरीके से। और इसमें डाला है चाट मसाला और डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। आपको जितना तीखा चाहिए, जितना तेज चाहिए, उस हिसाब से हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करेंगे। तो आपको जितना तेज चाहिए उस हिसाब से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में जो बचा हुआ था पेस्ट का मसाला, वो भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मिक्स हो चुका है। देन हमने आटा जो गीले कपड़े में भिगो के रखा हुआ था गुपचुप का, उसे हम लोई बना के रख देंगे। लोई बनाने के बाद जिस साइज़ में आप लोई बना के बेल सकते हैं उस हिसाब से इसे रोटी के आकार जैसा बेल लीजिए। और बेलने के बाद इसमें जो साइज़ का आपको गुपचुप का आकार चाहिए उस हिसाब से, उस साँचे के हिसाब से इसे कट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और ये गुपचुप बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके गुपचुप किस तरीके के बने हैं। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से कट करके इसे सारे गुपचुप को हम गीले कपड़े के ऊपर रख देंगे। जब तक सारे गुपचुप हमारे रेडी हो जाते तब तक इसे ऐसे ही रहने देना है गीले कपड़े के ऊपर। तो चलिए, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। गर्म कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, और तेल कुछ इतना डालना है कि जिसमें हम सारे गुपचुप अपने तल सकें। तलने के बाद देखिए हमारा ये गुपचुप किस तरीके से फूलता चला जा रहा है। तो ऐसा ही हमारे सारे गुपचुप बनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये फूल रहे थे और बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।